नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम सर? राज किशोर। आपको कितने समय हो गए ये कारपेंटरी का काम करते हुए? ये लगभग मुझे हो गए 30 साल। 30 साल के अपने इस कैरियर का कुछ अनुभव आप हमसे साझा करेंगे? जरूर करेंगे। मैं गांव से यहाँ तक पहुँचने का सफ़र तय करने में अपनी उम्र के 53 साल गुजार दिए। गांव पे मैं पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत काम वहाँ भी करता था और मुझे ये जिज्ञासा हुई कुछ कि मैं देहात से हटकर शहर पहुँचें और देखें वहाँ भी कारपेंटर या कारपेंटरी लाइन में क्या प्रोग्रेस है, क्या बदलाव है। और वहाँ से आने के बाद मैं यहाँ पे देखा कि वहाँ के काम और यहाँ के काम में बहुत फ़र्क है और मुझे उम्मीद लगी कि मैं यहाँ आके कुछ कर सकता हूँ। और धीरे धीरे फिर ये काम यहाँ चालू किया। पहले मैंने नौकरी की। नौकरी करते समय बहुत सारी दिक्कतें आईं, जैसे कि रहने, खाना बनाने, खाने, सोने की प्रॉब्लम थी। सही साबित ज़मीन नहीं मिलती थी। उस समय लाइट का प्रबंध नहीं था। गर्मी में हम लोग काम करते थे, गैस वगैरह जलाते। हम लोग 12 घंटे की ड्यूटी पूरी करते थे, चाहे लाइट रहे ना रहे। ऐसा सफ़र बीता और आज मैं अपने पैरों पर पूरी तरह से खड़ा हूँ। घर परिवार बच्चे सब यहीं रह रहे हैं। मकान भी हमने बना लिए हैं, एक नहीं दो यहाँ पे। फिलहाल वर्कशॉप की भी जगह अपनी ही है, जिससे कि किराए पे नहीं। अच्छा, कुछ अपनी पुरानी यादें साझी करें। जिस टाइम आप युवा थे और कारपेंटरी के क्षेत्र में नए थे, तो काम या परिवार में कुछ ऐसी चुनौती या घटना हो जिसका आपने सामना किया हो? बहुत सारी चुनौतियाँ आईं, छोटी मोटी, बड़ी भी आईं। का सामना किया एक बीमारी से। पहली बात तो एक बीमारी से मैं बहुत ही जूझा। 3 साल लगभग हमारी घरवाली की तबीयत ख़राब हुई इतनी ज़्यादा कि 3 साल तक मैं उसके पीछे भागता रहा और कामयाबी नहीं पा रहा था। ना उम्मीद हो गया था मैं बिल्कुल कि अब मैं इसको बचा नहीं पाऊँगा। लेकिन हिम्मत हमने हारी नहीं, काम के साथ साथ उसका इलाज करवाया और कामयाब हो गए, तसल्ली मिली। ये सबसे बड़ी चुनौती थी हमारी जीवन की। आपके अनुसार कारपेंटरी के क्षेत्र में समय के साथ क्या क्या बदलाव आए? कारपेंटरी के क्षेत्र में समय के हिसाब से बहुत कुछ बदल गया, जैसे कि काम करने का तरीका भी बदल गया है। नए नए इंटीरियर डिजाइनिंग के जो भी आते हैं उनमें से बहुत सारे स्कोप भी बढ़ गए हैं। पहले वुडन का काम होता था, अब बहुत सारे जैसे कि बोर्ड आ गए, प्लाई आ गई, ये बहुत सारी चीज़ें, MDF आ गया। इनके वजह से काम का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। काम करने के तरीके, मशीन, उपकरण जो भी है सारे बदल चुके हैं। बहुत कम मेहनत से काम होता है, पहले बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती थी। तो कारपेंटर की जो नई पीढ़ी है, आप उसको कुछ सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव यही है, कारपेंटर के क्षेत्र में अच्छा काम है, स्कोप अच्छा है, और आए लोग इस पर देखें, अंदर घुसें और समझें, अपनी कामयाबी भी हासिल करें। और आज के टाइम पे काम पहले से ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अपने पारिवारिक जीवन के बारे में कुछ बताएं। आप कहाँ रहते हैं, आपके पत्नी बच्चे क्या करते हैं? हमारे पत्नी बच्चे, हमारी पत्नी हाउसवाइफ है, बच्चे कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद वो अपना अपना काम कर रहे हैं। एक बच्चा हमारे साथ कारपेंटर लाइन पे ही है। आपने अपने बेटे को कारपेंटरी लाइन में रखा? हाँ, अपने एक बेटे को कारपेंटरी लाइन में ही रखा है। तो इसकी वजह? वजह ये है कि ये भी काम ठीक है, अच्छा है, और मैं शुरू से कर रहा हूँ, यहाँ तक इसको खींच के लाया हूँ, इसको और आगे बढ़ाए। हमारी पीढ़ी जो आगे, बच्चे को इसीलिए अपने पास रखा हूँ कि इस काम को और आगे बढ़ा सके, वो और बढ़ाए।